हेलो एवरीवन। हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि उसका सॉन्ग हर जगह रिलीज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब म्यूज़िक हो, स्पॉटिफाई हो, अमेजन म्यूज़िक या कोई और चैनल, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज आपको बताते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है और आप फ्री में अपने सॉन्ग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे और पैसे भी कमा पाओगे। आपको अपने मोबाइल में अम्यूज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अम्यूज़ ऐप वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज़ करना काफ़ी इजी है। इस एप्लीकेशन से आप 15 जगह अपने सॉन्ग रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने सॉन्ग इस एप्लीकेशन पर अपलोड करते हैं तो 28 दिन में आपके सॉन्ग वर्ल्ड वाइड में 15 चैनल पर रिलीज़ हो जाएंगे और फिर आप इसे पैसे भी कमा पाओगे। इस अम्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ लिमिट होती है। अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन पैक नहीं लेते हो और फ्री सब्सक्रिप्शन में पहली बार लिमिटेशन है कि आपको कंटेंट में जो आईडी है वो नहीं मिलती है, आपका सॉन्ग के कॉपीराइट एलिजिबल नहीं होते हैं। लिमिटेशन है कि आपके सॉन्ग इंस्टा रील्स, फेसबुक रील्स और टिकटॉक पर रिलीज नहीं होंगे। प्रो प्लान में ये सारी बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। आपको इस एप्लीकेशन पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ आपको कवर सॉन्ग्स, रिमिक्स सॉन्ग्स, मैशअप सॉन्ग, जिसके आपके पास कॉपीराइट नहीं है तो उसे आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सारे अकाउंट आपके ब्लॉक कर दिए जाएंगे और सारी वीडियो को भी डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप अम्यूज़ एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको साइन अप विथ गूगल पर क्लिक करना है या आप अपने ईमेल के साथ भी साइन अप कर सकते हैं। मैं साइन अप विथ गूगल करता हूँ और मैंने अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर ली है। आप यहाँ पर प्लीज़ सेंड मी अपडेट बाय ईमेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। इन्होंने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। कंट्री आपको इंडिया सिलेक्ट करनी है और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है। यहाँ वो आपकी एज क्राइटेरिया पूछेगा। अगर आप 16 से ऊपर हैं तो यहाँ टिक कर सकते हैं, नेक्स्ट कर देना। फिर आपके पास एक OTP आएगा। जो भी OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पर वो आप यहाँ पर डाल देना। सबसे पहले आपको अम्यूज़ का होम पेज का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्लस का क्लिक है, उसको आप क्लिक कर देना। मेरे पास यहाँ कवर आर्ट अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। आपको आपकी ईमेल की रिकन्फर्मेशन करने के लिए बोलेगा, वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। आपको उस पर क्लिक करना है, अपनी ईमेल पर जाना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली वेरीफिकेशन हो जाएगी आपकी ईमेल की। देन न्यू रिलीज पर दोबारा क्लिक करना है। मैं आपको इस न्यू रिलीज पर आप क्लिक जब करोगे, यहाँ पर कवर आर्ट अपलोड करने का जो ऑप्शन आ रहा है। कवर आर्ट क्या होता है? आपके सॉन्ग के कुछ कवर आर्ट्स होते हैं, पिक्चर्स होती है, जिसपे आपको एक आर्टिस्ट का नेम लिखा होना जरूरी होता है, सॉन्ग के नेम लिखे होने जरूरी होते हैं। अगर आपको ये कवर आर्ट बनाना नहीं आता है तो मैंने उसका एक ट्यूटोरियल बनाया है, ऊपर मैं उसको लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इजीली सीख सकते हो, देख सकते हो। एक कवर आर्ट का मिनिमम साइज़ जो होता है वो 3000x3000 पिक्सल का होता है। हाई क्वालिटी का कवर आर्ट बनाना चाहते हो तो हाई क्वालिटी का मैक्सिमम साइज़ जो होता है वो 6000x6000 के पिक्सल का होता है। बहुत ना तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिकल बना सकते हो, ना तो बहुत ज़्यादा ही छोटा पिक्सल का। उसके बाद क्रिप्स आपको बनाना है, उस पर एक आर्टिस्ट नेम लिखना है। आपको सॉन्ग का नेम ऊपर लिखना है, अपनी पिक लगानी है तो लगा सकते हो, कुछ भी और इस पर नहीं ऐड कर सकते आप। अगर वो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा, इज एनी टैक्स इन योर आर्टवर्क। अगर आपके पास कोई नेम लिखा है सॉन्ग का है तो आपको इसमें सबसे पहले लिखना है कि टैक्स मैसेज आर्टिस्ट नेम एंड रिसॉल्व नेम। एग्जैक्टली इसको कंफर्म कर देता है। आपको कोई भी लोगो नहीं लगाना है, मैंने आपको बताया हुआ है, ना तो फेसबुक का ना तो इंस्टाग्राम का, आपको उस पर कोई भी नेम नहीं लिखना। देन फिर आपसे वो पूछेगा क्या आपकी कोई भी फोटोज है वो ब्लर तो नहीं है, हाई क्वालिटी की है। जैसे मैंने आपको हाई क्वालिटी का कवर आर्ट बनाया जो ऊपर लिंक दिया था, उस पर जाकर देख सकते हो कैसे आप हाई क्वालिटी का बना सकते हो। इसमें आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और एनीथिंग इज क्रिप्स हाई क्वालिटी का ही ठीक है। कंफर्म करने के बाद सबसे पहले आपको सॉन्ग के नेम लिखने हैं। आपको उसका इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक पर चाहते हो कि ये सॉन्ग की टाइटल आए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर टाइटल लैंग्वेज क्या, आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, हाँ तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। रिलीज नेम आपका ऑटोमेटिकली चल जाएगा।
रिलीज नेम अगर आपका रिमिक्स है तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप लेबल भी इसके लाइसेंस से ले सकते हो, बट अगर लेबल आपको देना चाहेगा तो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं तो आपको सबसे पहले नॉन पर क्लिक करना है, ठीक है, बट कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट वर्जनली नॉन पर आपको इसको क्लिक करना है। MP3 में करना चाहोगे तो वो अपलोड नहीं होगी, आपको ये फाइल अपलोड उसमें .wifi फॉर्मेट में ही करनी है। अब हमारी ये फाइल अपलोड हो चुकी है और अब उसमें देखना है अगर उसमें लिरिक्स हैं तो आपका सॉन्ग में इंस्ट्रूमेंटल है तो आपको इंस्ट्रूमेंटल पर नो कर देना है। इसमें लिरिक्स हैं तो मैं ये यस कर रहा हूँ देन, क्योंकि मेरे सॉन्ग में लिरिक्स हैं और आपको इसमें लैंग्वेज भी देखनी है कि लैंग्वेज में हिंदी का फॉर्मेट है नहीं है। अगर आपके पास हिंदी का फॉर्मेट है, आपको कोई और फॉर्मेट यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें आप आओगे तो एक्सप्लिसिट, मतलब एक एक्सप्लिसिट पूछेगा, उसका मतलब ये होता है कि एक्सप्लिसिट का भाई सॉन्ग का फ़र्क होता है भाई कि सॉन्ग में कोई अब्यूज़ लैंग्वेज तो नहीं है, तो उस वो भी चीज़ें देखता है एक्सप्लिसिट। तो अगर एक्सप्लिसिट अगर आपके सॉन्ग में है या फिर अब्यूज़ लैंग्वेज है तो आप उसको देख लेना, भाई मेरे में नहीं है तो मैंने इसको नो क्लिक कर दिया। ओके, देन मेरी रिकॉर्डिंग ईयर 2023 में है तो भाई मैंने 2023 पे क्लिक कर दिया है। आपका अगर पुराना है या कहीं और तो आप वो वाला चेंज कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। फिर आपसे ये ISRC होती है जो वो चीज़ पूछेगा भाई, किसी भी सॉन्ग का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है तो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर ISRC अपने नंबर डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली उसे वो लिंक कर देगा। देन फिर उसके बाद आप उस पर टिक कर सकते हो। फिर उसके बाद वो ओरिजिन पूछेगा, ओरिजिनल सॉन्ग वो सॉन्ग होते हैं जैसे रिमिक्स सॉन्ग्स हैं, कवर सॉन्ग्स हैं, जो भी है इनमें से वो आप उसको क्लिक कर सकते हो। मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है तो मैं ओरिजिनल पे क्लिक करूँगा, लेकिन अगर आप रिमिक्स या कवर सॉन्ग पर रिलीज़ करना चाहते हो तो जिस कंपनी के भी राइट्स हैं उससे आपको लाइसेंस लेना होगा। उसकी डिटेल्स वीडियो मैं आपके साथ बाद में बना लूँगा, अभी हम ओरिजिनल सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं तो ओरिजिनल सॉन्ग सीख लेते हैं पहले। कंटेंट ID पर आपको मोनेटाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पेड प्लान लेना चाहोगे तो अम्यूज़ का तभी आप कंटेंट ID को मोनेटाइज कर सकते हो अगर आपके सॉन्ग में कोई राइटर है। तो आपको जो रियल नेम होगा आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास आपका म्यूज़िक किसी और ने बनाया है तो आप उसका भी नाम डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल वो प्रोड्यूसर हो सकता है, मिक्सर हो सकता है, बट मेरे में म्यूज़िक मैंने ही दिया है तो मैं अपना ही नाम डालूंगा। नेक्स्ट स्टेप है मेरे म्यूज़िक का जोनल क्या है। मेरे म्यूज़िक का जोनल भाई हिप हॉप हो सकता है सॉन्ग, या रॉक सॉन्ग हो सकता है, या कोई भी सॉन्ग हो सकता है, लेकिन मेरा पॉप सॉन्ग है तो पॉप सेलेक्ट करके यहाँ से डन करता हूँ और आगे नेक्स्ट होने वाली है ना रियलिटी वो अब पता चलेगी आपको। भाई कमाई होने वाली है तो आप खुद ही रखना चाहोगे या परसेंटेज में आपको किसी, भाई फॉर एग्जांपल आपका म्यूज़िक किसी और ने बनाया है तो आप उसको भी पैसे देना चाहोगे, भाई 30-50 करना चाहोगे, 40-50 करना चाहोगे, 40-60 करना चाहोगे, जैसे आपका वो होगा वैसे। भाई मेरा म्यूज़िक मेरा खुद का है तो 100% मैं खुद रखूँगा। देन अब आते हैं हम म्यूज़िक स्टोर पर, कहाँ कहाँ आप अपने सॉन्ग को रिलीज़ करना चाहते हो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई है, एप्पल है, म्यूज़िक है भाई, और ये आपका यूट्यूब है, अमेज़न है, आप सब पर क्लिक कर दो, लेकिन जहाँ जहाँ लॉक का साइन आ रहा है ना वहाँ आप क्लिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसलिए नहीं क्लिक करोगे वो, उसके लिए आपको प्रो प्लान, तभी जब प्रो प्लान आप खरीदोगे तभी आप उस पर क्लिक कर पाओगे। फिर थोड़ा नीचे आओगे तो ये पूछ रहा है कि पहले आपने कभी सॉन्ग रिलीज़ किया है, तो आप नो कर दीजिए। अगर आप यस कर दोगे तो फिर ये आपसे पूरी डिटेल पूछेगा उसके बारे में कि भाई रिलीज़ कब किया था कब नहीं, तो अब पूरी डिटेल्स लेगा आपसे। हमारे सॉन्ग 28 दिन के अंदर सॉन्ग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करके देगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे जो अर्निंग होगी वो आपके अगले 3 मंथ के बाद आपको आपके अकाउंट में शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो रिलीज़ मैंने क्लिक कर दिया है, उसके बाद आपको वो जो भी चीज़ पूछेगा आप उसको इग्नोर कर देना, और फिर क्या करते हैं, फिर होम पेज पर आपके सॉन्ग की डिटेल्स आपको दिखती रहेगी। आप बार बार 5 दिन के अंदर अंदर चेक करते रहना, क्योंकि लाइव ऑफ स्ट्रीम कभी भी हो सकता है, 5 डेज मैक्सिमम होते हैं, बट फिर भी आप 5 दिन के अंदर इसको चेक करते रहना, कभी भी लाइव ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा। चलो अब इसको क्लोज करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। बट अगर आप फिर भी इसका प्रो प्लान लेना चाहते हैं तो वो 1500 रुपये का प्लान आता है, 1 ईयर के लिए अनलिमिटेड सॉन्ग रिलीज़ कर सकते हो आप उस पर, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। अगर ये ऐप को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस।
और अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो मैं आपके साथ और भी शेयर करता रहूँ, तो आप इस वीडियो को बहुत लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।